राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले तपोवन मंदिर के पास एक के बाद एक दो बड़े हादसे हुए। पहले हादसे में साउंड सिस्टम का वजनी भारी पूरा का पूरा स्टैंड जमीन पर आ गिरा, इसमें 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहले हादसे के तुरंत बाद छत परिसर में लाइव प्रसारण के लिए लगा बड़ा LED सिस्टम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जिसमें 2 और लोग घायल हो गए। कैसे लगा चोट? वहाँ जता गया था। क्या क्या चीज से जता गया? क्या चीज से? अरे वो गिर गया सामान रचने वाला में, ले रहा था सामान, पूजा का सामान। और कहाँ कहाँ लगा चोट? यहाँ लगा, सर में लगा है। कहाँ से आए थे? वृंदाव से। मेला देखने तपोवन मंदिर के पास हुए हादसे ने प्रशासन की मुस्तैदी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दोपहर 1 बजे से प्रशासन सिर्फ बाइक, कार, मोटरसाइकिल को नियंत्रण करने में जुटा था। प्रशासन ने इस घटना के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की बात कही। कहीं न कहीं खामियां बताए कि जांच करवाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली करवाएंगे। नहीं सर, प्रशासन से भी तो चूक हुई है कहीं न कहीं, कि जो व्यवस्था थी उसमें जांच पूरी तरह नहीं हुई है। फिक्स करेंगे, बट जहां तक हमें पता चल रहा है प्राइवेट बॉडी के द्वारा बनवाया गया है और आसपास के रिंग में, तो हम लोग बाइक हटाने के लिए अनाउंस किया जा रहा था। प्रशासन केवल बाइक हटाने पर फोकस कर रहा था, जो व्यवस्था थी उसमें खामियां हैं उसको पे ध्यान नहीं था। हर एंड से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सतत सुपरविजन किया जा रहा है, अगर कोई चूक है तो डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं घटना के बाद तपोवन मंदिर के पास सन्नाटा पसर गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची में तेज आंधी की भविष्यवाणी पूर्व से ही की है। ऐसे में लोगों को पेड़ के नीचे और कमजोर मंच के आसपास खड़े होने को लेकर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि रांची से जितने भी अखाड़े शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं वो अंत में तपोवन मंदिर के पास ही पहुँचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।